दरअसल गलती आपकी नहीं, मेरी ही किस्मत खराब है। पापा ने तो आपको इतने सारे पैसे दिए थे बिजनेस के लिए, पर मेरी ही किस्मत से सारे के सारे डूब गए। अब किस्मत में अगर धक्के खाना लिखा है तो धक्के खाएंगे। आपकी मेहनत में थोड़ी ही कोई कमी थी, पर अब अगर मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा तो यही सेब अंगूर खा के काम चलाएंगे, वो भी जब तक किस्मत में है। पर सुहास, मैंने एक चीज डिसाइड कर ली है, मैं अपनी किस्मत का साया ना दूसरों की जिंदगी में नहीं पड़ने देना चाहती। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम यहां से शिफ्ट कर जाएं किसी अलग घर में, अपने घर में। कम से कम मम्मी जी और बाकी सबको हमारे परेशानियों की वजह से परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो आप घर के सबसे बड़े हैं, तो ये सब तो आप ही का हुआ। तो अगर हम ही यहां रुक जाए और बाकी सब अगर यहां से चले जाए तो नहीं, मतलब वो जाए हम जाए बात तो एक ही है। वैसे भी हम तो सिर्फ दो हैं, शिफ्ट करने में आसानी रहेगी। मैंने तो मूवर्स एंड पैकर्स से भी बात कर ली है, बहुत पैसे मांग रहे थे पर मैंने सस्ते में बना लिया है। जिंदगी अगर एक कड़ी है ना, तो मुझे इसमें कोई जीरा नहीं बनना, बनना ही है तो पकौड़ी बनूंगी।